वेलकम एवरीवन, रिफत के किचन में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। गर्मी के मौसम में दिल चाहता है कोई ऐसी सब्जी हो जो झटपट तैयार हो जाए, क्योंकि किचन में जाने को दिल नहीं करता। तो ऐसे में भिंडी जो है, जो जल्द पककर तैयार हो जाती है, वो ही बनाने को दिल करता है। तो आए भिंडी, जिसको लेडी फिंगर भी कहते हैं, वो बनाना शुरू करते हैं। भिंडी के बहुत से फायदे हैं। ये हमारे वेट को भी कम करती है और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। ये आधा किलो भिंडी हैं। प्याज मैंने लिया था एक बड़े साइज का और उसको मैंने काट लिया, आपके सामने ही काटा। और दो अदद मैंने टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज के, और इसके अलावा चार पांच मैंने सब्ज मिर्चे लिए हैं जिनको मैंने इस तरह काटा है, और छह सात मैंने लिए हैं जोए लहसुन के, उसको भी मैंने काट लिया है। अदरक का पेस्ट है, लाल मिर्ची का पाउडर एक चम्मच है, जायका है वैसे मैंने लिया है एक टेबलस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, लहसुन और हरी मिर्चों को यहाँ ग्राइंड कर लेते हैं। अभी दो फ्राई पैन मैंने रख दिए, एक में मसाला भूनेंगे, तकरीबन चार चम्मच है ऑयल ये इसमें डालूंगी, और इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। दूसरे फ्राई पैन में मैं भिंडियां डालूंगी ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज मिर्चियों का पेस्ट डाल देंगे।
इसमें टमाटर डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला। मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। कैसी झटपट तैयार होने वाली सब्जी है। मसाले में फ्राई की हुई भिंडियों को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम मसाले और भिंडियों को भूनेंगे। भिंडियां हमारी पककर तैयार हो गई हैं। ये पाकिस्तानी फूड है और इसको इस तरीके से तोड़ते हैं और इस तरह इसको इसके ऊपर रख के और इस तरह खाते हैं। ये मैंने लस्सी बनाई है। घर में मैंने दही बनाई थी और उसके साथ मैंने लस्सी बनाई है और इसके साथ जब हम खाते हैं और लस्सी को पीते हैं तो बहुत ही मजा आता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये जल्द तैयार हो जाने वाली रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।